मॉर्निंग गाइस। सो कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग क्या? आप तो मतलब हाँ, अभी तो गुड मॉर्निंग है, 12 बजे बज गए हैं। तो आज सैटरडे, आज स्कूल से छुट्टी हो जाएगी। सुबह से टाइम नहीं मिला था कि व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करूँ, अब जब टाइम मिला है तो स्टार्ट किया है। स्ट्रिंग पी रहा हूँ तो डकार से आ रही हैं। तो छुट्टी होने वाली है अभी, उसके बाद फिर बच्चों को तो क्या, मैम को छोड़ के आऊँगा। मैम को छोड़ के आने के बाद चेंज करवानी है और कुछ काम भी, एक दो वो काम निपटाते हैं। और अभी अभी वो डाल के आया हूँ फुट सेट होने के लिए हॉलीडे होमवर्क बच्चों का। तो चलो वो बिखरी है। ये देखो, हाँ बिखर गई स्ट्रिंग। वहाँ सुनिए, मम्मी डांटेंगी मेरे को। अभी मैम को छोड़ के आ चुके हैं अपना सीएनजी स्टेशन पे। भाई यहाँ तो कभी आ जाओ, लाइन मिलनी है, कभी कम हो ही ना। तो अभी भरवा रहे हैं सीएनजी। गाड़ी खड़ी है इधर, शायद ये खड़ी आगे भी खड़ी है। तो सीएनजी भरवा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। फिर मम्मी को तिकाऊँ काम, उनको ले जाना भाई मेरे। कुछ ना कुछ लगा ही रखते हैं। तो सीएनजी भरवा के चलता हूँ तिकाऊँ, उसके बाद फिर आज जिम जाएंगे भाई। जिम आज मतलब देखते हैं, क्योंकि मामा जी आने कहे थे, एक मामा जी हैं वो, और कुछ वैसे भी काम है तो देखते हैं क्या प्लान बनता है। तो चलो अभी तो सीएनजी भरवाते हैं। तो भाई अपना चल रहा है दोपहर खाना, चने की सब्जी है, रोटी है। अभी अभी मम्मी को ले कर आया हूँ इनकी दुकान पर। लेकर आया मनोज अंकल के, ओ मुंशी अंकल की जो भैया की दुकान है, 5 रुपये का दो लेकर आया मैं। तो इन्वर्टर ख़राब हो गया था, अभी तो उसके लिए फ्यूज लेकर आया, वो लगाया और रोटी खा रहे हैं, फिर करेंगे आराम। शाम को जाना है जिम। भाई मैं खाना वाना खा के सो गया था, क्योंकि नींद आ गई बहुत भयंकर वाली। अब उठाऊँ और 4 बज गए हैं, अब कुछ नहाते धोते, मुही तो चिल्लाते रहते दिन भर। नहाऊँगा अभी, फिर उसके बाद कुछ खाते हैं, फिर जिम का टाइम हो जाएगा, इतना फिर जिम चलते हैं। आज 2:30 का वर्कआउट है और अभी भी नींद आ रही है भाई, मुँह चिल्लाती रहेगी दिन भर। चलो अभी उठते हैं, नहाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, पता चल गया। चलो चलो तो प्रोग्राम कैंसिल, क्योंकि अब जाना पड़ रहा है फेलियर। अब जाना पड़ रहा है, वो बाइक का गाड़ी जो ख़राब हुई पड़ी है ना हमारी, तो उसका कोई पार्ट है, वो पार्ट आ चुका है, मंगाया था ऑर्डर पे, तो वो लेके आना है, फिर गाड़ी में लगवाना है। तो जिम तक कैंसिल है ही आज, और देखते हैं क्या प्लान बनता है। अभी चलते हैं, वो पार्ट लेके आते हैं, सारे बाल वाल सारे खराब हो जाएंगे। अभी 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 जस्ट बनाया था मैं। चलो कोई नहीं, चलते हैं अब फरीदाबाद, वहाँ से वो पार्ट लेके आते हैं, फिर गाड़ी वाले देते हैं, देखते हैं आगे। तो चलो, तो अपना ले लिया है ये पार्ट यहाँ से, बड़ा महंगा पार्ट था। एक मिनट रुको यार, ये देखो ये है। बड़ा महंगा पार्ट था ये, अब लेके जाना है मिस्त्री के पास, इसे लगा के देखो, बाल सारे ख़राब हो गए, अजीब से लग रहे हैं। मिस्त्री के पास लेके जाता हूँ, वहाँ इसे लगा के देखते हैं, लगा के देखें तो जेन्युइन पार्ट्स है, तो वहाँ से इसको लगवाता हूँ। फिर चलते हैं जिम, देखता हूँ जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि मामा जी आ रहे हैं, मोई के चश्मे वगैरह लेने हैं, तो उनको लेके फिर देखते हैं। चलो अभी तो चलते हैं, आ चुके हैं अपना मिस्त्री के पास। आ जाओ भाई, तो हम आएगा गाड़ी दिखा के आता हूँ आपको एक बार। हमारी गाड़ी खड़ी है, हाँ ये लेट। डिलीवरी वाइज मंगाया ना ऑर्डर पे, तो भाई अभी लगा चेक को क्या हाल हुआ पड़ा गाड़ी के अंदर से। यहाँ से पूरी खुली हुई, ये सारी यहाँ लगी हुई सिम, जहाँ नीचे दिख रहा है ना वहाँ उस पार्ट को लगा देखेंगे, ई सी एम है उसका। ये देखो, वो बिल्डिंग बहुत पुरानी है हमारे यहाँ पे, मतलब
ये लगा लो कि फर्स्ट टाइम शायद मेरे ख्याल से यही बनी थी जब स्टार्टिंग आई थी ऑर्डन वगैरह की। कर रहे हैं देखेंगे भाई कहाँ गए। देख रहे हैं पहले लगा के चाबी रखी देखो माता रानी के आशीर्वाद रहा तो हो जाएगी। चल ईसीएम में दिक्कत है ना करिए चालू। अब आ गई दोनों चलेगा इधर भी आ गई थी हो गई टनाटन ईसीएम में दिक्कत है। अरे वो तो मैंने भाई उसको नहीं बताया दोनों लाइट आ गई चेक लाइट भी आ गई सीएनजी भी आ गई। हाँ उसमें तो आना रहा बस सीएनजी की आवे एक इसी को जीत गई होगी कर दो पैक डफरिंग वटिंग कर दे इसकी और एक बार पानी वानी चेक कर ले गाड़ी में। हाँ हाँ वो चेक कर ले वो हम भाई फालतू काम करते हैं। अरे भाई वो तो कोई पता नहीं खूब कोशिश करी जब अभी मैं वहाँ से आके अभी मतलब कर मत दिए तो अभी मैं मतलब वहाँ से मामा जी से मिल मिला के अभी आया था घर कोई तो शहर मिल गया जिम पे तो वहाँ से हम आ गए अब दूध देने के लिए पैदल पैदल। भाई साहब देख रहे हो ना पसीना अलग ही चमक रहा है सारा एक तो लाइट नहीं आ रही ढंग से ऊपर से पसीना वसीना दिमाग खराब हो रहा है सारा। तो अभी हम दूध लेने आए हैं रोड पे चल रहे हैं हमारी किस्मत तो चमक ना रही पसीने चमक ले सही बात है कुछ तो चमके गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा देखिए कुछ ना दिख रहे हम देखियो पसीने पसीने देख हमारे कान दिख रहा बीच और गर्दन गर्दन चमक रही है हमारी। तो अभी तो नाटी हो रहा है तमीज बीच रोड पे चल रहे सवाल बीच रोड पे है ना तू है बीच रोड पे चल बीच चल तो चलो दूध लेके आते हैं फिर घर मिलते हैं लाइट आ जाए तो भाई बुरी हालत हुई पड़ी है बिना लाइट के देखो। हाँ अब देख पसीना आ रहे हैं बुरी तरह मेरे ऊपर मत गिरिए फोन है मेरे पास गाजियाबाद को बुला ले Thank you.
मणि पापा भी बहुत है आता ना आ जाओ आता ही हारी मां।